हाँ तो शंकर जी के भक्त तो हम खड़े हैं स्तंभेश्वर महादेव जो कि कवि कुंभई गुजरात में है, और ये पीछे शिखर है। ये वो मंदिर है, आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर आपने बहुत बार सुना भी होगा, जो दिन में दो बार डूब जाता है। तो देखो वो दिख रहा है, वो किनारा है यानी सी कोस्ट है वो, मतलब उससे सभी अंदर जो है एरिया है सब जल का है। तो अभी लो टाइड है तो समुद्र पीछे है, वरना जब हाई टाइड होता है तो जल वहाँ तक जाता है सड़क तक। और जब अमावस्या और पूर्णिमा होती है तो ये जो शिखर दिख रहा है ना, शिखर तक समुद्र देव ऊपर तक छूते हैं जल। तो रोज़ अभिषेक करते हैं समुद्र देव दिन में दो बार शंकर जी का। तो ये बहुत बड़ी एक यूनिक प्लेस है। हाँ तो भाई लोगों, मैं बताता हूँ कि यहाँ आना कैसे है। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वडोदरा, वडोदरा से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है कीर्ति स्तंभ बस स्टेशन, ऑटो करके जा सकते हो, पास में ही है। और वहाँ से जो है जम्बूसर के लिए डायरेक्ट बस चलती है रोडवेज GSRTC की, तो जम्बूसर के लिए बस लेना। और जम्बूसर बस स्टैंड से उतर के कावी के लिए, कावी कम्बोई जगह है पूरी, मगर कावी की बस स्टॉप के लिए बस मिलेगी, तो जम्बूसर से कावी तक आ सकते हो। और कावी बस स्टॉप पे उतर के ऑटो कर लेना सीधे कम्बोई के लिए, या फिर मंदिर का नाम बोल देना कावी कम्बोई मंदिर या शंकर जी का मंदिर, तो समझ जाएंगे। और ये भी पास में 3-4 किलोमीटर ही है कावी से कम्बोई तक, यानी कि मंदिर तक। तो ये तो हो गया आने का तरीका। और मंदिर की कहानी यह है, जब तारकासुर लोगों का वध कर रहा था, मनुष्यों को परेशान कर रहा था, तो कार्तिकेय जी ने उसका वध किया। तो कार्तिकेय जी उस चीज़ से काफ़ी परेशान थे कि मैंने पाप किया है और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुमने उस असुर का वध करा है जो मनुष्य को मारने के लिए, बट फिर भी इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, बट फिर भी अगर तुम कोई प्रायश्चित करना चाहते हो तो शंकर जी की स्थापना करो और यहाँ पूजा करो। तो ये कार्तिकेय भगवान का ही स्थापित करा हुआ शिवलिंग है। तो कितनी एक उपलब्धि की बात है कि हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। और कोई भी आ रहा हो और इस वीडियो से रिलेटेड या मंदिर से रिलेटेड या एरिया से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जितना मेरे को पता है वो तो मैं बता ही सकता हूँ। तो बोलिए ओम नमः शिवाय और अच्छी खटी फोटो वगैरह लेते हैं। अभी फ़िलहाल समुद्रदेव काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं अपना, यहाँ तक आते हैं। तो आज का टाइम अप्रॉक्स 2 या 3 बजे के आसपास यहाँ आएंगे समुद्रदेव। तो अभी तो काफ़ी पीछे हैं और बहुत परफेक्ट लोकेशन, हवाएं बहुत तेज हैं, बाल बाल तो ऐसे उड़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो शंकर जी के भक्तों, ये मंदिर अगर आपने वीडियो में देख लिया है तो कृपया करके प्रोग्राम बनाओ और आओ दर्शन करके जाओ शंकर जी के, बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर पूरे दिन का टाइम निकाल सकते हो तो हाई टाइड और लो टाइड दोनों देखना, तो वो तो एक अद्भुत दृश्य होगा। फिलहाल हमारे पास तो खैर टाइम नहीं है क्योंकि दर्शन कर लिए हमने, वही मेन है। और हाई टाइड शाम के टाइम आएगी 3-4 बजे के बाद, और फिर हमें काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है, तो इसलिए हम तो जा रहे हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। हाँ तो शंकर जी के भक्तों, चल दिए हैं यहाँ स्तंभेश्वर महादेव जी के दर्शन करके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा करता रहता हूँ तो वीडियोस आती ही रहती हैं तीर्थ यात्रा से रिलेटेड। ओम नमः शिवाय। Thank you.
जाने का वक्त तो हम तो बहुत ज़्यादा धन्य हो गए यहाँ ऐसे मंदिर को देख के, ऐसी लोकेशन को देख के और शंकर जी के दर्शन करके साक्षात। ओम नमः शिवाय। आप लोग भी ज़रूर आना, वीडियो देख रहे हो तो बोलिए ओम नमः शिवाय।